सो वेलकम बैक टू ट्रैवल बीन और दिस इज अमित सिंह पठानिया। तो आज हम आपको जैसे पता है जैसे मॉनसून है यहाँ पे, तो बारिश का मौसम है, तो हमारे यहाँ धान लगते हैं, हर जगह धान लगते हैं इस टाइम। तो आज मैं हिमाचली जैसे हमारी जगहें कैसी होती हैं, हमारी धान कैसे लगाए जाते हैं। सो पहले होता था कि बैल होते थे, उनके साथ हल्ले होती थी, सो हमारे डा बोलते हैं उसको, जिससे पूरा सिस्टम किया जाता है। बट अब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये जो ट्रैक्टर, तो हमारे पास ट्रैक्टर है एंड वी हैव टू यूज ट्रैक्टर ऑन देयर। और बस यही है कि कैसे होगा, और हमारे यहाँ रून बोलते हैं इसको, तो रून आज हमारा रून है। सो ओके, देखते हैं आप रून में। ये होता है, धानी ऐसी इस तरह से होती है, जैसे यहाँ पे खेत पे लगा दिया गया धान, और हमारा ये ऊपर इस साइड ये वाला ये हमारा है। सो ये आज भीग, मतलब जो खेत ऐसे है ना, जो ऐसे लग रहा है कि मिट्टी निकली हुई है बाहर, वो वाले हरे घास वाले नहीं है अपने, तो सिर्फ दो तीन चार खेत है अपने। सो अब वहीं पर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये इस तरह से धान निकाले जाते हैं जहाँ खेत पे लगाए होते हैं, तो जैसे यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, मेरे फादर साहब हैं और अपने चुन्नू मुन्नू फ्रेंड्स हैं। सो धान निकाले जा रहे हैं, और धान एक साइड रखे जाएंगे फिर, और उसके बाद लगा दिए जाएंगे इस तरह से खेतों में। सो वेट कीजिए अब बाकी सारे प्रोसेस देखने के लिए। फ्रेंड्स, ये ट्रैक्टर है, इस तरह से ट्रैक्टर लगाया जा रहा है, और इस तरह से ये पूरा प्लेन बिल्कुल चिकना किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धान लगाए जाएंगे, धान ये रहे जो रेडी हो चुके हैं, और वहाँ से ये देख कुल दिखाता हूँ मैं, यहाँ से पानी आ रहा है और पानी खेत में जाते हुए अच्छी तरह लग रहा है, इसी तरह से रून होगा। मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा होगा। सो दिस इज द ग्रीनरी, people won't live in here like this, yahan koi ghar nahi hota। रूम लगना शुरू हुआ, मैंने आपको दिखाया, और अभी इस वाले खेत में लगेगा, और मैं ऐसे बाद में अभी ये खेत लगेगा, एक ऊपर है उसको करना है, एंड देन बारिश का मौसम भी हो रखा है, सो लेट्स डू समथिंग। यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट दिस माउंटेन्स, द फैक्ट दैट दे आर नेवर गोना रिमेंबर मी। आई मीन लुक एट इट दिस वे, मेरे आने से हजारों साल पहले से ये पहाड़ी यहाँ पे, और मेरे जाने के भी हजारों साल बाद ये पहाड़ी यहीं रहने वाले हैं। तू जो नजरों के सामने कर होगा नहीं। आई एम रियली नथिंग इन देयर टाइम स्पेंट, जस्ट अ ब्लिप ऑफ अ सेकंड।